हमारे हर प्रोग्राम के तमाम किरदार हकीकत और अपने तमाम तारीखी पस मंज़र पर मबनी है। इसमें हर तरह के ख्याली और मिथिकल पहलुओं से परहेज़ किया गया है, लेकिन विजुअल सिचुएशन के एतबार से बाज़ जगह पर स्केच टेक्निक से काम लिया गया है, जो तसव्वुराती होते हुए भी हकीकत से बहुत करीब है। और सारे प्रोग्राम के तमाम तारीखी दस्तावेज कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुख्तलिफ किताबों से लिए गए हैं, जो सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नासरीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ समीना ज़ैदी। पेश है प्रोग्राम करबला एक दर्स का। इस प्रोग्राम के ज़रिए वाक़े करबला को याद करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसार की क़ुरबानी से दर्स हासिल करते हैं। नासरीन, करबला के मैदान में एक आवाज़ गूंजी थी, हल मिन नासरीन यनसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। ये आवाज़ नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में उस वक्त बुलंद की जब सुबह से असर तक अपनी औलादों, जिगर के टुकड़ों और जानिसार असहाब की लाशें उठाए, जिनमें बूढ़े भी थे, नौजवान भी, 6 महीने के मासूम अली असगर भी, सब प्यासे शहीद कर दिए गए। यजीद की फ़ौज ने 7 मुहर्रम से आले रसूल के लिए पानी बंद कर दिया था। इस आवाज़ को बुलंद करने वाले अली के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना तो पानी मांग रहे थे और ना यजीदी लश्कर और उसके कमांडर से जान की अमान तलब कर रहे थे, बल्कि वो सोए हुए ज़मीरों को जगा रहे थे, जुल्म के चेहरे से नकाब हटा रहे थे। नासरीन, जब दौलत और इख्तदार की हवस दीन और दुनिया में हर तरफ अपनी जगह कर लेती है और इंसान का ज़मीर सो जाता है, तो आखिबत का ख्याल नहीं रहता और इंसान भूल जाता है कि चंद रोज़ की दुनिया है और वापस उस हकीकी दुनिया में अपने परवरदिगार के पास जाना है, जहां अदल व इंसाफ होगा। इमाम मसलूम अपनी जान के लिए ये आवाज़ कैसे बुलंद कर सकते थे कि जिन्होंने अपने सामने हबीब इब्ने मज़ाहिर और मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे साथियों को दम तोड़ते हुए देखा, अपने जवान भाई अब्बास का लाशा देखा, अपने बेटे अली अकबर के सीने से बर्ची की अनी निकाली और अली अकबर अलैहिस्सलाम ने आपके हाथों पर दम तोड़ दिया। आपने 6 महीने के अली असगर का गला छिदा हुआ इस आलम में देखा कि बच्चे के लिए पानी के बदले हुरमुला ने ऐसा तीर चलाया कि अली असगर के गले के साथ ही इमाम मसलूम का हाथ भी जख्मी हो गया और अली असगर शहीद हो गए। तारीख में लिखा है कि अली अकबर की शहादत पर हुसैन ने कहा कि ऐ बेटा, तुम्हारे बाद दुनिया की जिंदगानी पर खाक, लिहाजा दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तेगाज़े की आवाज़ बुलंद करके दुनिया वालों से इसलिए मुखातिब थे कि अब दुनिया में कोई भी प्यासा ना रहने पाए। खुदा की नेमत पानी पर सबका बराबर हक है, कोई भूखा ना रहे कि सबका रासिख परवरदिगार है, किसी का खून ना हक ना बहाया जाए कि खुदा की ज़मीन पर सबको जीने का हक है, बच्चों और औरतों पर जुल्म ना हो, इनके हक को ना छीना जाए, किसी को बग़ैर खता के कैद और बंद की मुसीबतों में गिरफ्तार ना किया जाए और उन पर जुल्म ना किया जाए, दुश्मन अगर अपनी गलती पर नादिम हो तो उसे माफ़ कर दिया जाए, असीरों को दयार बदयार ना फिराया जाए। यकीनन फुरात का बहता हुआ पानी था और नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बच्चे और तमाम असहाब प्यासे थे। तलवार, नेजे और पत्थरों से खून नाहक बहाया जा रहा था। खुदा जिंदगी देने वाला है, करबला में यजीद के साथी जिंदगियां छीन रहे थे, खुदा की नाफरमानी हो रही थी। बाद शहादत इमाम मजलूम बच्चों और औरतों को, यहाँ तक कि बीमार इमाम को कैद करके दमिश्क और कूफे के बाजार में दयार बदयार फिराया गया। ये सब नवासे रसूल के साथ हुआ। इनका जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि यजीद जैसे जालिम की बैयत नहीं करना चाहते थे। आशूर को जब भुर शर्मिंदा होकर इमाम हुसैन के सामने आया तो आपने उसे गले से लगा लिया और कहा, हुर, तेरी माँ ने तेरा क्या अच्छा नाम रखा था, तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी। यकीनन हुर का अमल इंसानी ज़मीर की आज़ादी का और हक और सब्र की मिसाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के पस मंज़र में
एक बात पर अगर इंसान गौर करे और यूएनओ की जनरल असेंबली के डिक्लेरेशन में भी साफ तौर पर नज़र आएगा कि यजीद हुकूक़ इंसानी को पामाल करने वाला था, खुदा और रसूल का गुनहगार था और रहती दुनिया तक बकौल अल्लामा शहाबुद्दीन सैयद महमूद आलूसी, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी, शेख अब्दुल हक देहलवी और दीगर उलमाए इस्लाम के नज़दीक लानत के काबिल है। हुक्मरा वो है कि जिसकी हुक्मरानी से मुल्क में बसने वाले अपने हुकूक को पालें। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था पैगंबर की वफात हुए, जिन्होंने इंसानी हुकूक का बेहतरीन नमूना पेश किया, जिनके अमल और तालीमात ने इंसान को उसकी अजमत का पता बता दिया, जिसने औरतों, बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोरों से अच्छे बर्ताव से पेश आने की तालीम दी, जिसने खुद अपने बदतरीन दुश्मन को फतेह मक्का के दिन माफ़ कर दिया, अपनी उम्मत को इंसानी हुकूक़ की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी और मुआशरे को बेहतरीन तकमील देने के लिए उम्मत को कुरान और अहले बैत से वाबस्ता रहने की ताकीद की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मैदान खूम में मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला कहकर पहचानवाया। बकौल जार जरताख, आपकी हुक्मरानी की बुनियाद अदल और इंसाफ पर थी। और आगे ये भी लिखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी भी इस आज़ादी को अपने किसी अहकाम और क़ानून से सुल्प नहीं किया, हमेशा अवाम की भलाई के लिए सोचा। उन्होंने अपने दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ बराबर का सलूक रखा। जिन्होंने आपकी बैत नहीं की उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। वहीं अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाले हुक्मरान जो आपकी बैत के लिए राज़ी नहीं थे और कौम को गुमराह कर रहे थे, अदल व इंसाफ बाकी ना रहा था, अहले बैत का हक सुल्प किया जा रहा था। पैगंबर की वफात के बाद रसूलुल्लाह की बेटी का अपना हक मांगने के लिए दरबार में खड़े होना पड़ा। अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी बांधी गई और शहजादी पर दरवाज़ा गिराया गया। यही लोग बाद शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मुखालफत करते रहे और आपको जहर दगा से शहीद किया। उसी यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का मुतालबा किया। यजीद ऐसा बदकिरदार था कि हुकूमत करने के काबिल नहीं था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत तलब कर रहा था। यजीद इमाम हुसैन से बैयत की मांग करके अपने ज़मीर की आज़ादी के जज्बे को क़ैद करना चाहता था, लेकिन इमाम ने साफ इनकार करके उसकी शैतानी ख्वाहिश को खाक में मिला दिया। आपने ऐलान कर दिया कि खुदाई बंदे गैर खुदाई ताहूतों की गुलामी नहीं किया करते। आपका मशहूर कौल, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, जहां यजीद की पस्त सोच की तरफ इशारा करता है, वहीं अपने बुलंद और आज़ाद इंसानी ज़मीर की अजमत को बयान करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जाबाज साथियों के साथ हुरमत मदीना की खातिर नाना और माँ की खब्र से रुखसत होकर मक्के आना गवारा किया, मगर फर्जंद रसूल को वहाँ भी अमान नहीं थी। हाजियों के भेस में खातिल आ गए थे। हुरमत काबा की खातिर आपने हज को उम्रे में बदला और यहाँ से भी रुखसत हो गए। मुख्तसर ये दो मुहर्रम करबला पहुँचे और 10 मुहर्रम तक सब नासिर और मददगार शहीद हो गए। इमाम मसलूम को शहीद कर दिया गया। इमाम मसलूम ने मैदान करबला में यजीद के सिपाहियों को मुखातिब करके फरमाया, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है और तुम क़यामत से नहीं डरते हो तो कम से कम दुनिया में आज़ाद रहो, यानी अपनी इंसानी हैसियत का ख्याल रखो और ज़मीर की आवाज़ पर तवज्जो दो। आपका ये पैगाम हकीकत में उन बेदीन सिपाहियों को राह रास्त पर लाने के लिए था। आखिर में वो अपनी इंसानियत और उसके नतीजे में खुदादाद आज़ादी की तरफ गौर कर लें तो यजीद जैसे पस्त फितरत इंसान की ग़ुलामी पर तैयार होकर फर्जंद रसूल का खून ना बहाते और इस तरह आखिरत की बड़ी रुसवाई से बच जाते। मगर सारे यजीदी सिपाही ग़ुलामी की दलदल में ऐसा फंस चुके थे कि बाहर निकलना मुश्किल था, इसीलिए इमाम का फ़िक्रा भी उन पर असर ना कर सका, मगर लोगों को ये पैगाम दे गया कि इंसान के ज़मीर की आज़ादी इतनी कीमती है कि यजीद जैसे हुक्मरा की हुकूमत से रिहाई और फर्जंद रसूल के खून नाहक में शामिल होने से नजात दिला सकती है। ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर इब्न यजीद रिहाई के इस्तकबाल के वक्त
उनके हुर के मानी की तरफ इशारा करके फरमाया कि तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारा ज़मीर भी आज़ाद ना होता तो तुम यजीद का लश्कर छोड़कर यहाँ कभी ना आते। और रोज़े आशूरा से कूफे और रिहाई तक सब ने ज़मीर की आज़ादी की मांग की है और तमाम आलम इंसानी को यही पैगाम दिया है कि ज़मीर की आज़ादी पर आँच न आने दें। ज़मीर की आज़ादी की राह में अगर मौत भी आ जाए तो उसे गले लगाने के लिए तैयार रहें। बैयत की मांग को ज़मीर की आज़ादी का सौदा करार देकर साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया, खुदा की कसम ना उनके हाथ में ज़िल्लत का हाथ दूंगा और ना उनके सामने ग़ुलामों की तरह झुकूंगा। करबला के बाद करबला से वाबस्ता हर हुसैनी की जिम्मेदारी है कि इमाम हुसैन के इस ऐलान को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए और किसी भी हाल में ज़मीर को ज़िंदा रखे और कभी भी जुल्म के आगे सर ना झुकाए और ज़ालिम का साथ कभी ना दे। आज हमारे बच्चों और नौजवान जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि अपने ज़मीर को बुलंद बनाए, अपनी सोच को बेहतर बनाए और ये सब कुछ तभी मुमकिन है कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरह से करेंगे। मसलन हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ है और उनका साथ किन लोगों का है। यकीन मानिए कि अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत सही ढंग से कर ली तो फिर कभी अपनी मंजिल से नहीं भटकेंगे और ये तरबियत मिलती है तर्स अहले बैत से। इसलिए हर एक को चाहिए कि अहले बैत अधार की जिंदगियों को अपना आइडियल बनाए। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हुसैन।